सबसे पहले तो फ्लाइकिंग एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप जो है बॉलीवुड में फ्यू फिल्म्स यू हैव डन, सो क्या कहना चाहेंगे प्रोडक्शन की जो मुश्किलें आती है उसके उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह का इंस्टीट्यूट का होना? पूरा फिल्म शुरू से लेकर आखिर तक आई थिंक प्रोडक्शन के कंधों पे ही होता है उसका, जो भी बजटिंग है, किसको कितना पे करना है, किस चीज़ में कितना, एवरी लिटिल थिंग, यहाँ तक कि कौन कितनी रोटी खाएंगे, एवरी थिंग डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन, इट्स ऑन द शोल्डर्स ऑफ द प्रोडक्शन पीपल. तो उसके लिए आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी नोबल कंसेप्ट कि ऐसी एक अकेडमी स्टार्ट हुई है जो जो प्रोडक्शन बाकायदा सिखाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग प्रोडक्शन करने आते हैं लेकिन बहुत लोगों को काफ़ी टाइम वो सीखने में चला जाता है. जब हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो उस चीज़ का तो क्या होता है, फिल्म का बजट बढ़ता है, फिल्म का बजट है तो हमको क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है. तो ये सब चीज़ें एकदम से सेटल हो जाएगी, ये सब चीज़ें सॉल्व हो जाएगी अगर प्रोडक्शन का प्रॉपर नॉलेज हम इम्पार्ट करना स्टार्ट करें थ्रू सच एकेडमी एज फ्लाइकिंग. ओके, आपको क्या लगता है एज अ एक्टर आप क्या सोचती है किस तरह की मुश्किलें आती है प्रोडक्शन की अगर बात करें तो? मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है बहुत ही क्लोजली देखा हुआ है. जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, मेरी पहली फिल्म जो थी सुभाष घाई जी के साथ कांची जो 2014 में आई थी, तो सुभाष जी वॉज ऑलवेज इस बात पर स्ट्रेस करते थे कि मैं बैक ऑफ द सीन्स रह के देखूँ कि फिल्म कैसे बन रही है, यू नो, टू गेट द नॉलेज. उनका अपना इंस्टीट्यूट है विस्लिंगवुड जिनका मैं स्टूडेंट नहीं रही हूँ, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, उनके पूरे प्रोडक्शन टीम को काम करते हुए देखा है, इट वाज लाइक अ फैमिली. तो वहाँ से मुझे यू नो प्रोडक्शन के क्या क्या मुश्किलें आती है और कैसे चलता है वो मैंने सब कुछ देखा है. अदर देन दैट माय बेस्ट फ्रेंड, माय चाइल्डहुड फ्रेंड जो कि ही इज अ प्रोड्यूसर राइट नाउ, आई एम नॉट टेकिंग हिज नेम, एंड ही इज वेरी डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ, बट देन स्टार्टिंग में मैंने उनको देखा है, मतलब रात रात भर जागते हुए कहाँ से क्या अरेंज होगा, यू नो एवरीबडी ये चाहिए वो चाहिए, हर चीज़ प्रोडक्शन वालों के कंधों पर ही होता है. तो मैंने देखा है अपने बहुत ही क्लोज लोगों को, यू नो, प्रोडक्शन की डिफ़िकल्टीज़ के वजह से रात रात भर जाग के, मतलब अपने बाल खींचते हुए कि क्या करें, कहाँ से अरेंज करें, इसका बजट ये ऊपर जा रहा है, उसका बजट ऊपर जा रहा है, फिल्म का बजट ऊपर जा रहा है, यहाँ से डायरेक्टर बोल रहे हैं, वहाँ से फिनांसर बोल रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी अगर हमको एक प्रॉपर नॉलेज हो. और ऑब्वियसली जैसा कि मैंने कहा, फिल्म का बजट बचेगा तो वही बजट हम फिल्म पे और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन का बजट बनेगा तो हम बेटर फिल्म्स बना सकते हैं. इसके अलावा जो मनी करने का रिलीज हुई है उसमें रानी लक्ष्मीबाई को बहुत एप्रिसिएशन मिल रहा है लेकिन काशी भाई को भी उतना ही एप्रिसिएशन मिल रहा है, कितना प्राउड फील कर रहे हैं? अच्छा, ऐसा है, मुझे पता नहीं कितना एप्रिसिएशन मिल रहा है, अभी अगर मिल रहा है तो थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ सच अ फिल्म जिसका सब्जेक्ट ही इतना नोबल है, यू नो, रानी लक्ष्मीबाई जो हर भारतीय नागरिक के दिल में बसी है. सो दैट्स व्हाई आई एम रियली प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ सच अ फिल्म. और नंबर्स में कितना बिलीव करती है? पहले दिन में 8 करोड़ का बिजनेस किया है ऐसा कहा जा रहा है, तो नंबर्स में कितना बिलीव करती है और क्या कहेंगे जो कलेक्शन है उसके बारे में? मैं नंबर्स में उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि आजकल का ट्रेंड ही वही है, वी ऑलवेज काउंट सक्सेस और हर चीज़ का वो यू नो बिजनेस कैसा कर रहा है फिल्म उसी पर डिपेंड करता है. तो मैं पर्सनली बिलीव करूँ या ना करूँ तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है तो वो तो करना ही पड़ेगा. इट्स वेरी गुड के फर्स्ट डे इतना कमा है, हम चाहते हैं ये 500 करोड़ तक पहुँचे. लास्टली जिसने फिल्म नहीं देखी है उसको क्या कहना चाहेंगे? आई एम श्योर हर कोई, जो भी हमारे देश के जनता, जो भी हमारे देश की जनता है वो हर कोई अभी नहीं देखी होगी किसी कारणवश तो वो ज़रूर जाएंगे और मणिकर्णिका देखेंगे क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई हम सबके लिए हीरो है. सो आई एम श्योर कि हर 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 भारतीय नागरिक इसको देखना चाहेगा. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो फ्लाइकिंग एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे और प्रोडक्शन कितना ज़रूरी है? आप भी एक फिल्म के साथ काम कर रही है, कितना ज़रूरी होता है प्रोडक्शन का नॉलेज और उसका स्टडीज़ करना? देखिए, सबसे पहले तो मैं फ्लाइकिंग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और जैसे कि कोई उड़िया आदमी ने किया है तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि मैं भी उड़ीसा से हूँ और जब मैं सुनी कि दिलीप साहू जैसे कोई आदमी कर रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और फ्लाइकिंग को मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्शन कंट्रोलर या प्रोडक्शन का जो रोल होता है आज तक मतलब कोई पढ़ के नहीं आता है. जैसे कि सभी ने कहा कि कोई हीरो बनने आता है या डायरेक्टर बनने आता है या सिनेमेटोग्राफर बनने आता है, उसमें जब फेल हो जाते हैं देन लोग उसको सेकेंडरी ऑप्शन में चूज़ करते हैं और उनका जो थोड़ा बहुत नॉलेज होता है उसमें से वो एक्स
एक्सपीरियंस ले लेके काम करते हैं, सो दैट जो प्रोड्यूसर होता है कम बजट में फिल्म करना चाहते हैं. आज भी देखा जाए तो बॉलीवुड में बहुत सारी पिक्चरें ऐसे डब्बे के जैसे पड़ी है, जस्ट बिकॉज कि प्रोडक्शन वैल्यू जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा होता है, लोगों के पास नॉलेज नहीं होता है और प्रोड्यूसर अपना मतलब जो भी बचा को चाहे पैसा रखता है वो बर्बाद हो जाता है. तो मुझे लगता है ये जो स्टेप इन्होंने लिया है, जो प्रोडक्शन जो एक मतलब पढ़ाना चाहते हैं, लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आगे बॉलीवुड में जो भी पिक्चरें बनेंगी कम बजट में, एक सीमित बजट में बनेगी और लोग बहुत बड़े आकार में बना सकते हैं. आपकी जो फिल्म आने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. अंतर्ध्वनि का फर्स्ट पोस्टर आ चुका है, थोड़ी फिल्म के बारे में बताइए और कब रिलीज होने वाली है. सी फिल्म की पोस्टर रिलीज हो चुकी है ऑलरेडी. फिल्म 7 फरवरी को बर्लिन में वर्ल्ड प्रीमियर हो रही है. अभी एंटायर ईयर ये फेस्टिवल में जाएगा और मुझे लगता है इंडिया में रिलीज होते होते एंड ऑफ दिस ईयर और कमिंग ईयर में होगी. इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी तो फिलहाल बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइंड अप है, जब भी अनाउंसमेंट होगी डेफिनेटली आप लोगों को मैं बताऊंगी. थैंक यू सो मच. एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहिए? जो प्रोडक्शन हाउस है मतलब एक्टिंग के बहुत सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, लेकिन प्रोडक्शन सिखाने के लिए ये कुछ नया है, कुछ कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. जैसे कि आप जानते हैं आज 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस है, और गणतंत्र दिवस जो कि हमारा संविधान आज के दिन लागू हुआ था, तो बस मैं इस अकेडमी को भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. और जो कि दिलीप जी हैं जिन्होंने एक सोच लेकर आए थे कि मुझे एक प्रोडक्शन हाउस ओपन करना है जहाँ पे मैं लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन, तो आज उनका वो सपना साकार हुआ और उन देखने को मिला कि हम किस तरह से प्रोडक्शन हाउस में किस तरह से देखो टीवी में तो आपको आर्टिस्ट दिखता है, अभिनेता दिखता है काम करते हुए, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी मेहनत होती है, कितने सारे क्रिएटिव टीम मेंबर्स होते हैं, लाइट कैमरा कैमरामैन हो गए, तो उन सबके बारे में इस एकेडमी में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि एक जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है. ओके, इसके अलावा जैसे आपने कहा कि आप एक शूट भी कर रही है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या शूट है, और जैसे आपने बहुत सारा नॉलेज भी लिया वहाँ पर, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि प्रोडक्शन का कितना नॉलेज लिया वहाँ. जी, जैसे कि अभी मैंने अपनी फिल्म मैंने कश्मीर में शूट किया था, तो मुझे वहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने उनसे ली, किस तरह से लाइट का क्या रोल होता है और कौन सा लेंस यूज़ किया जाएगा और एक शॉट को लेने के लिए कितने एंगल से लिया जाता है, गोप्रो कैमरे की क्या वैल्यू होती है, तो मुझे वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला. मैंने अपने ओपिनियन भी शेयर किए, सर आप इधर से लीजिए और यहाँ से अच्छा एंगल आएगा. तो वहाँ पर मुझे ये पता चला कि कैमरे का क्या रोल होता है, लाइटिंग का क्या रोल होता है और जो कैमरे में जो लेंस लगे होते हैं उसका क्या रोल होता है. तो यस, ऑफकोर्स इस एकेडमी में भी लोगों को वही सब जानकारी मिलेगी. तो जब मैं वो वर्क कर रही थी तो जो मेरे डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि लोकेश आपका दिमाग बहुत चलता है, यू आर अ वेरी क्रिएटिव, तो आपको तो प्रोडक्शन हाउस में जाना चाहिए. तो मैंने कहा सर धीरे धीरे सीख रही हूँ, अभी तो एक अच्छी अभिनेता बनना है, उसके बाद देखते हैं प्रोडक्शन हाउस में आने के लिए. बिग बॉस के बाद कितनी लाइफ चेंज हुई आपकी, और बिग बॉस ने कितना चेंज किया आपको, और दीपिका कक्कर जो है बिग बॉस जीत चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? और बहुत सारा ट्रोलिंग भी हुआ उनको लेकर, कुछ कहेंगे आप? पहले तो मैं दीपिका कक्कर जी को बधाई देना चाहती हूँ. यस, ऑफकोर्स वो डिज़र्व करती हैं. ज़रूरी नहीं है कि बिग बॉस में अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो ही आप बिग बॉस के किंग बनेंगे, उसकी ट्रॉफी लेके जाएंगे. देखो वो जैसी थी वो वैसी ही रहीं, उन्होंने ओवर नहीं किया, ओवर एक्टिंग नहीं की, ओवर जैसे उनको कंफर्टेबल लगा टास्क उन्होंने करा, उनको जो ट्रोल किया जा रहा है वो लोगों के हमारे आम देश की जनता के ओपिनियन हैं और फ्रीडम है सबको अपनी बात कहने का, बट मैं इसके लिए एग्री करती हूँ. वो डिज़र्व भी करती हैं, हमारे देश की जनता ने उनको चुना है तो वो बहुत डिज़र्व करती हैं.
और रही बात बिग बॉस की, तो यस ऑफकोर्स बिग बॉस से पहले मैं एक लोकेश शर्मा जो कि एक कॉलेज गर्ल थी जिसे सिर्फ फैमिली और कुछ फ्रेंड्स जानते थे, लेकिन बिग बॉस ने मुझे इतनी बड़ी पहचान दी, आज मुझे पूरा इंडिया जानता है। जो मैं सपने देखती थी पहले, मैं सबके इंटरव्यूज़ देखती थी, अब मेरे इंटरव्यूज़ देखे जाते हैं, तो ये बिग बॉस की वजह से ये मुझे मिला है, मुझे एक अलग पहचान मिली है और इसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। राइट इसके अलावा आपसे और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बिग बॉस 12 का टीआरपी बहुत कम था, तो लोग कह रहे हैं कि आगे वाला सीज़न नहीं आएगा, तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा आपका? देखिए ये तो टीआरपी तो कम है बिकॉज क्योंकि बिग बॉस में इस बार ज़्यादा धमाका देखने को नहीं मिला, क्योंकि इतने सारे धमाके ऑलरेडी ही सारे सीजन में हो चुके हैं। स्वामी ओम जैसा करेक्टर इस बार नहीं आया था, तो धमाका ओब्वियसली थोड़ा कम पड़ जाता है, और जैसे कि डोली बिंद्रा जी हो गए, इमाम जी हो गए, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा एंटरटेन किया था अपने लेवल पर, और इस जब बिग बॉस का इतना सारा लेवल सब देख लेते हैं तो उन सबको ये भी पता रहता है कि बाहर आने के बाद एक लाइफ दूसरी भी स्टार्ट होती है, तो इमेज पे भी एक इफ़ेक्ट पड़ता है। आप जैसे दिखोगे लोग आपको वैसे ही जज करने लग जाते हैं, तो बस इस वजह से लोगों ने कभी थोड़ी सी धूम मचाई, थोड़े से शांत हो गए कि हाँ ज़्यादा वैसा नहीं दिखना चाहिए, मेरी नेगेटिव इमेज ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए। जब वो नॉमिनेट हो जाते हैं तो उनको धमाका तो करना है सर्वाइव करने के लिए, तो ये तो उतार चढ़ाव आते हैं, तो उन्होंने बहुत देखा था, तो इतना दम तो नहीं दिखा, क्या कर सकते हैं, क्रिएटिव टीम से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल। कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है, एक्टिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं लेकिन प्रोडक्शन का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो क्या थॉट प्रोसेस था ये प्रोडक्शन बनाने के पीछे, थोड़ा सा उस बारे में बताइए, और कितना मतलब एफर्ट लगा ये सब करने के लिए? देखिए जब भी मैं 18 साल से पहले ही मैं प्रोडक्शन करते करते आ रहा हूँ, 18 साल पहले से मैं प्रोडक्शन करते करते आ रहा हूँ, मैं तब से देख के आ रहा हूँ, जब भी प्रोडक्शन में मेनली कभी जब भी डायरेक्टर इंतज़ार करता है कैमरा के लिए, कैमरा कभी पहुँचता नहीं, कभी जनरेटर नहीं पहुँचता है, कभी है, तो यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम होता है कि एक सीनियर दूसरे को गाली देता है, यार मैं तेरे को बोला था तुम बुलाए नहीं, अरे उसको तो टाइम दिया था तुम नहीं बुलाए। मैं 18 साल हो गया ये चीज़ देखते आ रहा हूँ, एंड मैं खुद ये बारे में सोचा कि जब भी मैं इतने साल ये इंडस्ट्री में दे दिया है, एंड मैं ढूंढते रहा कि सब चीज़ का कोर्स है तो क्यों प्रोडक्शन का कोर्स नहीं बनाया जाए, तो मैं खुद 6 महीना हो गया इसी के ऊपर रिसर्च किया, एंड क्या प्रोडक्शन लोगों को क्या चाहिए, असिस्टेंट को क्या चाहिए, मैनेजर को क्या चाहिए, लाइन प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, तो उसके बारे में मैं फिर खुद लिखा। देखिए एक बात बताता हूँ, हर चीज़ का जब भी कोई कोर्स होती है तो क्यों प्रोडक्शन का कोर्स नहीं होता है, प्रोडक्शन का कोर्स मैक्सिमम इंडस्ट्री में क्या है, सब लोग करते करते एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को असिस्टेंट करते करते सीख जाते हैं, बट यहाँ जब भी बेस नॉलेज, एक बोलते ना किसी बंदे का अगर शुरुआत में एक बेसिक नॉलेज मिलता है कैमरा के बारे में, लाइट के बारे में, आर्ट के बारे में, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से, एंड ऑल टेक्नीशियन का मैंने सब पूछा है, बड़े बड़े दिग्गजों को पूछा है, मैं स्टार्ट करने से पहले सर मैं ऐसी चीज़ कर रहा हूँ शायद लोग मेरे ऊपर हंसेंगे तो नहीं, फिर बाद में मैं सोचा जब भी 100 लोग को पूछा 80 लोग बोले नहीं फैंटास्टिक दिलीप तू करते जा, एंड बहुत अच्छी चीज़ है ये, इंडिया में नहीं आप मैक्सिमम वर्ल्ड में 2-3 इंस्टीट्यूट है, खाली थोड़ा सा प्रोडक्शन के बारे में सिखाया जाता है, प्रोडक्शन मीन्स बहुत चीज़ आता है, प्रोडक्शन मीन्स कैमरा आता है, लाइट में आता है, दुनिया भर के आता है, बट जो प्रोडक्शन मैनेजर का शुरुआत होता है उसके लिए तो मैंने सोचा है, एंड उसके ऊपर सिलेबस लिखा है एंड बनाया। सर इतने सारे डिग्निटीज आए थे यहाँ पे बॉलीवुड से, तो उनके साथ जुड़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और बहुत सारे प्रोफेसर्स भी आपके साथ जुड़ने वाले हैं अभी इंस्टीट्यूट के लिए, तो उनके साथ कैसा कोलैबोरेशन होने वाला है थोड़ा सा उस बारे में बताइए। मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ कि इतने बड़े 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 डायरेक्टर है, राइटर है, एंड DOP है, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, जो बड़े बड़े दिग्गज आए थे आपके सामने अब देखे, तो ओनली मैंने ये जो 18 साल का मेहनत है, मैं उनके साथ काम करते करते मतलब उनको रिलेशन बनाया, एंड उन्होंने मेरे काम भी देखे, एंड उनको जानते ये बंदा जो कर रहा है रियली बहुत
ट्रू सिस्टम होगा एंड जो जो करने जा रहा है ये इंडस्ट्री का एक नयापन है एंड थोड़ा बदलाव लाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, तो उसी के वजह से उन्होंने जुड़े एंड मैं सबको थैंक यू बोलूँगा वो मेरे इवेंट में आए एंड मेरे को मेरा हौसला बढ़ाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कौन से स्टेट में होंगे देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग जब भी मेरे को यही क्वेश्चन पूछे थे कि दिलीप ये कहाँ होगा, तेरा ऑफिस कहाँ होगा। एक्चुअली मेरा ये शुरुआत है, पहले कोई ऑनलाइन नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट ऑफिस होगा जो लोकेटेड है गोरेगांव है। सब लोग सोचते थे शायद बॉम्बे में होगा, ये बॉम्बे नहीं, ये टोटल ऑल इंडिया से बंदे आएंगे एंड उनको अच्छा रहने का भी फैसिलिटी दिया जाएगा एंड सीखने का भी फैसिलिटी दिया जाएगा एंड जो ये 6 महीने का कोर्स है उसमें से थियोरिकल के साथ प्रैक्टिकल दिया जाएगा। जो बंदा यहाँ पे थियोरिकल सीखता है क्लासेस में, प्रैक्टिकल क्लासेस में सीखता है, बट उसको जाके ऑन लोकेशन में जाके पढ़ेगा। जैसे एक एग्जांपल, कोई बंदा कैमरे के बारे में पढ़ता है, जब भी कैमरा लेंस के बारे में पढ़ता है, लेकिन वर्ल्ड का कोई ऐसे एकेडमी नहीं है जो क्लास में थियोरिकल साथ पढ़ा के विद इन 1 मंथ में जाके ऑन सेट में उसको इंटर्नशिप कराएगा, उनको टीचिंग कराएगा। ये 6 महीने का कोर्स के अंदर एक बंदा 1 महीने के बाद आके जाके तुरंत 1 महीने के अंदर ऑन सेट में जाके काम करेगा। आप सोचिए कोई गरीब घर का लड़का, आप इंडिया में आप जानते होंगे बहुत सारे जो गांव के विलेजर आते हैं उनके मन में सपना रहता है कि मेरे को स्टार बनना है। देखिए फिल्म इंडस्ट्री मतलब स्टार एक्टर एंड कैमरामैन एंड एडिटर, ये मैक्सिमम 3 चीज़ को ध्यान देता है, बट मेरा ये आगाज़ है इसके पीछे कम से कम 70-80 डिपार्टमेंट है एंड 70-80 डिपार्टमेंट को हम लोग मीन्स प्रोडक्शन हैंडल करता है, मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, सारे 70-80 डिपार्टमेंट का रिमोट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। और एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक स्क्रिप्ट जब भी आता है, सपोज एक स्क्रिप्ट शूटिंग का 15 दिन के पहले एक स्क्रिप्ट आता है, स्क्रिप्ट को सोचिए डायरेक्टर के पास बात जाता है, लेकिन पहले आता है प्रोड्यूसर के पास, ही इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एक लाइन प्रोड्यूसर का आता है। आप सोचिए लाइन प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो कि 15 दिन में क्या शूट होगा एक लाइन प्रोड्यूसर को विजुअल लेता है, मेरा आर्ट क्या होगा, मेरा कॉस्ट्यूम क्या होगा, मेरा डायरेक्शन क्या होगा, मेरे लाइट रेफरेंसिंग क्या होगा एंड मेरा डायलॉग क्या, एवरीथिंग। तो सोचिए एक लाइन प्रोड्यूसर को, एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को कितना स्ट्रांग बनना चाहिए। डायरेक्टर 15 दिन के शूट का टाइम में 10 दिन के पहले आता है, 2-3 मीटिंग करता है, उसके बाद वो एक विजुअल लेते हैं, बट एक लाइन प्रोड्यूसर, एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर 15 दिन के पहले पूरा फिल्म का विजुअल लेता है। तो प्लीज़ मेरा यही है कि सब लोग यहाँ पे आए, जो प्रोडक्शन टीम में आते हैं प्लीज़, ये एक एकेडमी है, एक सीखने का माध्यम है, अगर ये थोड़ी सीखते हैं ये चीज़ में, इन फ्यूचर में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड फिल्म इंडस्ट्री में जो हम लोग आज तक सुनने में आए यार प्रोडक्शन कुछ काम नहीं मिला तो प्रोडक्शन में घुसा दो, बट मेरा ये क्यों कोई काम नहीं किया प्रोडक्शन में घुसने का, मैं ये बोलता हूँ कि इंसान ऐसे दिमाग में हौसला बना के रखे कि मैं प्रोडक्शन मैनेजर बनने जाऊँगा, मेरा प्रोडक्शन मैनेजर को लेके मैं कैरियर बनाऊँगा, मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर लेके कैरियर बनाऊँगा। तो प्लीज़ जितने भी मेरा यंग जनरेशन है इंडिया का, पूरा जितने भाइयों बहन है, जितने भी आता है, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्लाइकिंग फिल्म एकेडमी, जो कि कभी पैसा को नज़र नहीं रखता है, ओनली रखता है सिखाने के नज़र में, हम लोग अभी भी सीखते हैं एंड एक अच्छा सोल्यूशन आएगा, इंडस्ट्री में एक नया बदलाव आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। और क्या कहना चाहेंगे सर इस फिल्म एकेडमी के बारे में, एक्टिंग इंस्टीट्यूट हमने बहुत सारे सुने लेकिन प्रोडक्शन सिखाने का इंस्टीट्यूट पहली बार सुन रहे हैं, थोड़ा सा बताइए सर कि कितनी मुश्किलें आती है एज अ डायरेक्टर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? पहला तो कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा दिलीप जी को, एज अ डायरेक्टर मैं इतना ही बोलूँगा कि करने के लिए जो बैकबोन होता है ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। जैसे अगर सीधा साधा भाषा में बोलूँ, जैसे घर चलता है, पैसा तो जो है गार्डियन होते हैं वो कमा के लाते हैं या हस्बैंड जो है वो कमा के लाते हैं,
बट जो घर संभालता है, जो घर संभालती है वो है घर की माँ जो होती है ना, ऐसे ही ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है ना वो घर की माँ जैसे होती है। तो ये अगर सही ढंग से हो, ये अगर सही ढंग से काम का कर पाए तभी जाके घर अच्छा चलता है। इसी तरह ही फिल्म अगर अच्छा बनेगा तो पूरा जो काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभालना पड़ता है, वो चाहे एक से लेकर सौ तक का जितना काम होता है, वो चाहे आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेकर कैमरा से इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट से लेकर लोकेशन से लेकर हर चीज़ को मैनेज करना जो होता है ना, जैसे ह्यूमन मैनेजमेंट जो चीज़ होता है, ऐसे ही सारा चीज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थोड़ा सा हिल जाता है ना, आपका पूरा प्रोडक्शन हिल जाता है, पूरा फिल्म हिल जाता है। तो सुबह से लेकर शाम तक का जो शूटिंग जैसे पर डे का होता है, ऐसे ही लेके आपका पूरा फिल्म का शुरुआत से लेकर रिलीज तक पूरा चीज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डिपेंड करता है। सो जैसे मैंने बोला फैमिली की बात, जो लेडी होते हैं, जो माँ होते हैं, अगर वो अनपढ़ हो तो फैमिली चलाने में जैसे तकलीफ होता है, अगर वो पढ़ी लिखी माँ हो और सुविधा होता है। तो यही बात है कि आज जो ये जो इंस्टीट्यूट बना, तो अभी लोग सीखेंगे और प्रोडक्शन में आने से पहले, कोई भी काम शुरू होने से पहले उनको पता है कि पहले से क्या क्या करना है, उनको पता है। पूरा एजुकेटेड प्रोडक्शन लोग आएंगे कि ए से लेकर जेड तक जितना काम है पहले से तैयारी करके ये लोग आए हैं। तो क्या होगा ना, कोई तकलीफ नहीं होगा कोई फिल्म बनने से पहले, एकदम सारा चीज़ क्लीन रहेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट होता था। ये जो चीज़ है, ये जो स्टेप लिया है दिलीप जी ने, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जहाँ पे सारे लोग जो भी आएंगे प्रोडक्शन करने के लिए और अच्छे तरह से फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो पाएगा। तो इसलिए बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, इनको बार बार कंग्रेचुलेट करूँगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे लोग निकले जो कि अच्छे से फिल्म आगे जाएगा। नसीम भाई, आप सब क्वेश्चन पूछिए, मतलब उनको सर को बस, मेरा बहुत हो गया। शुरुआत हो चुकी है, मुहूर्त हो चुका है और लोग एक पैगाम जा रहा है लोगों तक कि आइए एक इंस्टीट्यूट ऐसी है जो आपको सिर्फ सिखाएगी नहीं, आपको नौकरी का जरिया भी खोल देगा। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि कम से कम 20 साल से मैं सिखा रहा हूँ और डायरेक्शन सिखाता था। फिर जब मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्शन की नॉलेज देना लोगों को, क्योंकि वो ही है बैकबोन एज अ डायरेक्टर आपके लिए, तो वो जब सिखाना शुरू किया तो देखा कि किसी को शौक ही नहीं है डायरेक्शन प्रोडक्शन सीखने का, क्योंकि उसकी कोई अवेयरनेस है नहीं। वो लोगों को लगता है कि यार ये मैनेजमेंट का काम है, ये इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, इसमें क्या क्रिएटिविटी है, इसमें क्या ज़रूरी है। लेकिन धीरे 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 ये बताना कि भाई आज ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है जहाँ मैक्सिमम प्लेसमेंट मिलती है। आप एज ए डायरेक्टर या एज ए राइटर शायद आपको प्लेसमेंट में टाइम मिलेगा, लेकिन प्रोडक्शन, क्योंकि ये एरिया खुला हुआ है, यहाँ ज़रूरत है कंप्यूटर की नॉलेज वाले पढ़े लिखे लोग इस लाइन के अंदर आना जिनको प्रोडक्शन के बारे में। एंड प्रोडक्शन का बिलीव मी इतना इंजॉयबल काम है ये, जो मैं तो एज ए डायरेक्टर रहा हूँ ना इतने साल, उसके बाद मैं प्रोडक्शन में आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्शन इज़ एज एन्जॉयबल एज सॉल्विंग अ क्रॉसवर्ड पजल। I mean, after you do it, you feel so nice. And believe me, पहला principle हमारा production का ये होता है कि nothing is impossible. ऐसे कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसी कोई problem है ही नहीं दुनिया के अंदर जिसका solution ना हो। और उसी तरह से ये institute, जो it is a uphill task, लोगों को aware करना और लोगों को बुलाना और उनको train करना is a difficult task, but it is not impossible and nothing is impossible, we'll do it. Yeah. Sir, what do you want to say about the Flyking and the new initiative which taken by Dilip sir? Because we have seen the so many acting institute, but this is something new, production institute. What do you want to say about it? From my perspective as a cinematographer, this is a real groundbreaking task that Dilip is doing, and I think it's a very, very important thing to educate people on every facet of the film industry. So you have a lot of production people who don't know what a director has to deal with, what a cinematographer or even art department. So really training and educating production people, whether it be a production controller, a line producer, a production manager, or where you start just as a production assistant, to really understand the resources and the requirements that are needed to complete all of our tasks. And I think also what Dilip can give to this education is really a foundation of honesty, and then a foundation of transparency,
and then really showing each person real world experience. And that's something that a lot of people lack. You can quickly call yourself anything you want, a director, a producer, an actor, but to really understand in everything from the ground up what it takes. And as our director friend said, production can really be a creative task. It's not just about numbers. It can be something that's very enjoyable. And that's one thing that I think Dilip has showed us all in his work, is that he enjoys his work. He looks at it as not a yes or a no, but really a creative problem solver. And that's something that I think every student could really take advantage of for the education. Okay, thank you, sir. Please, sir. प्रोडक्शन हाउस मतलब म्यूजिक वीडियो एंड सब पे तो एंड करण हाय ओके नसीम भाई सवाल मनीषा हाँ प्लीज सर क्या बोलना चाहेंगे इस एकेडमी को लेकर ओके फर्स्ट ऑफ ऑल It, I hope it's okay if I talk in English, but first of all, it's fantastic. It's a fantastic opportunity for a lot of young people who want to get into the industry to learn how to produce. It is such a basic knowledge. It's a basic requirement in this industry. Like, so the thing is, what Flyking is offering is production, right? Product, learning how to produce. And the thing is, what no matter what your role is in the entire filmmaking process, whether you're a writer, whether you're a director, whether you're an actor, whether you're a producer, no matter who you are, it is extremely important to know what production means, what goes into production. So for example, I as a producer, when I deal with clients, if I don't understand production, I will never be able to make a proper budget sheet. And if I don't make a proper budget sheet, I will go into a loss. It's a basic understanding of how production works that even I as a producer need to know. When a writer or a director comes up with a concept, he needs to understand what the budget is and what is going to go into the production of his concept in order to make it fit within that budget. And he has to write a concept accordingly. So, us hisab se, what Dilip, and it's really surprising that even though it's such a basic requirement, nobody is teaching it. Nobody is teaching it the way it's going to be taught now. And I'm so glad that Dilip ji has taken this initiative and, you know, he's spearheaded this whole campaign of Flyking Academy. I think it's fantastic. And I think that I personally, as a producer also, would like to go and attend some of his classes to, you know, to learn more. Because it is, no, I'm not even kidding. I'm serious. It's very important to understand production. And like someone over here said earlier, production is like a creative puzzle that you're solving. It's a lot of fun. And I think that there's so many different aspects to it. There's like understanding technicals, understanding your camera, lights, etc. Understanding how to deal with people, how to deal with locations, how to deal with the government, how to manage celebrities, how to manage clients. Aside from all the hard technical knowledge, there's also a lot of soft skills training. Jo deni padti hai. So for example, a production manager should also know how to speak to talent or how to speak to a client or how to, say for example, arrange the layout of the shoot in such a way that the client sits on the other side and does not disturb the director. These are very small things, you know, but it's very important. And these are what make up the entire experience of a set. So I feel like a production manager is critical to the experience on set, the experience of a shoot, and how clients enjoy the shoot, how production houses you know, deal with their shoots, and how directors and talent also enjoy their shoots. So I think this is a great initiative. Thank you so much for taking this up. Thank you, and sir. Taking this responsibility. Or nibhana responsibility ko, of course. I'm sure you will. Yeah. Sir, and, thank you everyone. Thank you so much. Yeah, and once makeup styling apne paanch. ये बोलना चाहूँगा, पहले तो दिलीप सर को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, दिलीप सर, और मैं कुछ ही बात करना चाहूँगा दिलीप सर के साथ, बिकॉज मैंने वो एक्सपीरियंस किया है. मैंने सन 2016 में सर को ज्वाइन किया था और आज दो साल में मैंने कम से कम 600 प्लस ऐड किए होंगे. तो मैं दिलीप सर को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका.
प्रोडक्शन का ये पहला इंस्टीट्यूट है, एक नया इनिशिएटिव है, क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है ये स्पेशली प्रोडक्शन के लिए? दोस्तों, मैं पम्मी मोटन और आज रिपब्लिक डे है. पहले तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी और दिलीप जी को बधाई देना चाहूँगी कि दिलीप जी ने जो काम स्टार्ट किया है वो काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया है. और मैं इनको आज से नहीं, बिफोर इंडस्ट्री जानती हूँ, क्योंकि मैं भी 4-5 साल से एक्टिंग कर रही हूँ और मैंने बीच में थोड़ा टाइम इनके साथ में प्रोडक्शन में काम भी किया था, तो कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिला. और इनके पास जो टैलेंट मैंने देखा कि एक एज अ लाइन प्रोड्यूसर, साथ में ये अपने जितने भी इनके वर्कर्स हैं, जो इनकी प्रोडक्शन टीम है, ये सबके साथ में एक फैमिली के जैसे काम करते हैं. और आज मैं भी जो फिल्म लाइन में हूँ, मुझे लाने वाले यही इंसान है. और ये एक्टिंग मुझे पता है कि इनका जो भी कोचिंग सेंटर फ्लाइंकिंग एंटरटेनमेंट जो रहेगा इनका, काफ़ी अच्छा रहेगा और कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा. तो काफ़ी उम्मीदें हैं हमें दिलीप जी से और हम इनको ब्लेसिंग करेंगे कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, इनके साथ में हम भी आगे बढ़ते रहें. थैंक यू. नाइस टू बी हियर. एंड मुझे भी एक्चुअली मैंने बहुत सुना था पहले, जैसे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं फिर दूसरे टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड, बट फर्स्ट टाइम हर्ड अबाउट दिस इंस्टीट्यूट एंड आई रियली विश यू गुड लक एंड फॉर ग्रेट स्टार्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.